विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लाभार्थियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी एमएलसी विजय बहादुर भी पहुंचे। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चौपड़ा भी मौजूद रहे। इस दौरान एमएलसी की ओर से गैस सिलेंडर, राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया है। सचिव संजीव चौपड़ा ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य कई स्तरों पर सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना और यह सुनिश्चित करना है कि इनका लाभ पात्र लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं। उन तक लाभ पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य है। भारत को अगले 25 सालों में विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया गया है, इसको साकार भी करना है। मिला हमको भारत सरकार की तरफ से जो सहयोग मिला है उसमें जितना इस भारत संकल्प विकसित भारत संकल्प यात्रा में जो लोग वंचित रह गए हैं, विभिन्न स्कीम्स हैं भारत सरकार की, राज्य सरकार की, उन स्कीम से वंचित रह गए लोगों के लिए आज ये एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि भारत सरकार की क्या योजनाएं हैं और इसमें कैसे जो वंचित लोग हैं उसमें वो भी शामिल हो सकते हैं। कई लोगों को इसमें शामिल किया भी गया और 5 प्रण एक शपथ ली गई, जिसमें भारत को अगले 25 सालों में विकसित राष्ट्र के रूप में बनाने के लिए सबने संकल्प लिया। तो जिस दिशा में और जिस दशा में हमारा राष्ट्र है, मुझे कोई उसमें शक नहीं है। और जैसा कि हमने आज यहाँ पे चर्चा भी की इस सभा में कि अगले 25 वर्षों में ये अमृत काल जो हमारा शुरू हुआ है देश का, उसमें 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभर कर आएगा।